A very warm welcome to everyone. On Celeb Se Charcha, we have a very, very popular Bhajan Samrat, Sri Anoop Jalulkar ji, today with us. Thank you very much. Thank you for inviting me. श्री अनूप जलूटा जी के बारे में जैसा कि हम सब जानते हैं, भजन और गजल की दुनिया के बहुत ही प्रसिद्ध नाम है। इनको पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। बहुत सारे इन्होंने इंटरनेशनल कॉन्सर्ट्स किए हैं, फिल्में बनाई हैं। श्री अनूप जलूटा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सेलेब से चर्चा हमारे प्रोग्राम पर। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। तो मैं शुरू करना चाहूंगा कि आपकी जर्नी नैनीताल से मुंबई तक कैसे शुरू हुई और क्या क्या रहा, जबकि उन दिनों में बहुत ही मुश्किल था अपॉर्चुनिटीज को खोजना और इस तरह से अपनी चीजें, अपने गानों को रिकॉर्ड करना, तो कैसे शुरुआत हुई? उत्तर प्रदेश का बहुत एक लोकप्रिय हिल स्टेशन है नैनीताल। लोग गर्मियों की छुट्टियों में नैनीताल जाते हैं, तो मेरे मम्मी पापा भी नैनीताल घूमने गए थे। दो गए थे, तीन होके आ गए। तो मतलब मैं बात कर रहा हूँ 66 इयर्स पुरानी। तो मेरे मम्मी डैडी गए, मैं वहीं पैदा हो गया, मुझको लेके लखनऊ आ गए। लखनऊ रहते थे हम लोग, तो जन्म नैनीताल और बाकी 20 साल लखनऊ रहे। लखनऊ में बीए किया, लखनऊ यूनिवर्सिटी से, भाटखंडी म्यूजिक कॉलेज से संगीत भी सीखा, अपने पिताजी से संगीत सीखा। पिताजी के कॉन्सर्ट्स में पीछे बैठ के गाते रहते थे, और जैसे जैसे कुछ संभाला तो भजन भी गाए, गजलें भी गाई, फिल्मी गाने बहुत गाए। तो लखनऊ में मैं मशहूर हो गया था एज जूनियर किशोर कुमार। तो 20 साल तक लखनऊ, और फिर मुंबई पहुंचे। एक ऑल इंडिया रेडियो में कोरस ग्रुप था, कोरल ग्रुप उसे कहते थे, उसमें 30 सिंगर्स थे। तो उसमें मुझे भी चांस मिल गया काम करने का, तो 320 रुपये महीने की वो नौकरी मिल गई। और बस हम रोज जाके वहाँ कोरस में गाते थे। अभी महेंद्र कपूर जी आ रहे हैं, हम उनके पीछे कोरस गा रहे हैं। उषा मंगेशकर जी आ रही हैं, उनके पीछे गा रहे हैं। इस तरह सब सिंगर्स आते थे, और धीरे धीरे हमारे गाने को लोगों ने पहचाना, और आज मैं आपके सामने इंटरव्यू दे रहा हूँ। एक और भी बात जो थोड़ी म्यूजिक इंडस्ट्री से अलग हटके है, वो है कि आपका क्रिकेट में भी बहुत रुचि थी। मैं क्रिकेट खेलता था और अच्छा खेलता था, और लखनऊ से कुछ 50 मील दूर एक शहर है कानपुर। तो कानपुर में क्रिकेट मैच हुआ करते थे, टेस्ट मैच हुआ करते थे, तो हम बचपन से वहां जाते थे देखने। लखनऊ में ऐसा स्टेडियम नहीं था कि लखनऊ में हो, लेकिन कानपुर में होते थे। तो मुझे याद है कि विश्वनाथ की हमने पहली इनिंग देखी थी खेलते हुए, कि वो फर्स्ट इनिंग में 0 आउट हुए और सेकेंड इनिंग में उन्होंने 147 बनाए थे। तो क्रिकेट के लोगों में हमारे मित्र बहुत हैं जिनसे हमारा मिलना जुलना रहता है। उनमें सुनील गावस्कर जी हैं, किरण मोरे हैं, कपिल देव हैं, अजीत वाटिकर जी से मिलते रहते थे, विंगसरकर जी से मिलते रहते हैं। म्यूजिक कैसे शुरू किया? म्यूजिक तो फैमिली में, हमारे पिताजी बहुत बड़े क्लासिकल म्यूजिशियन थे, उनको भी पद्मश्री भारत सरकार ने दिया, वेरी रिनाउंड क्लासिकल और भजन सिंगर। तो उनसे हम बचपन से सीखते थे। तो एक तरफ क्रिकेट, एक तरफ म्यूजिक। म्यूजिक में यार ज्यादा पढ़ला भारी लगा, तो म्यूजिक में आ गया। खूब सर, बहुत खूब। तो जब शुरुआत की थी, ऐसा भजन या ऐसी कोई गजल जो आपने रिकॉर्ड की हो और आपको बहुत पसंद रही हो शुरुआती दिनों की? मैं आपको एक भजन की दो लाइन सुनाता हूँ, जो मैंने 50 साल पहले पहला एल्बम जो रिकॉर्ड किया था HMV के लिए, व्हेन आई वाज 16 इयर्स ओल्ड। तो मैं उसकी दो लाइन सुनाता हूँ, बहुत अच्छा भजन है। श्री राम कहे सुन लक्ष्मण वचन हमारा, श्री राम कहे सुन लक्ष्मण वचन हमारा, मत सोच करो तुम और किसी पर तारा, मत सोच करो तुम और किसी पर तारा। ये ट्रेडिशनल ट्यून में 50 साल पहले मैंने रिकॉर्डिंग की थी। बहुत ही अमेजिंग मेलोडी है ये तो। हाँ, बहुत ब्यूटीफुल ट्यून है। आपने म्यूजिक, क्रिकेट, इसके बाद फिर वेंचर किया कि फिल्म्स भी बनाई जाएं, ये कैसे शुरू हुआ सर? थोड़ा फिल्म्स के बारे में बताएंगे। असल में होता क्या है कि जैसे मैं
बॉम्बे आया तो मैंने बहुत सी फिल्मों में गाने गाए, तो हर एक के दिमाग में एक कीड़ा होता है प्रोड्यूसर बनने का, हर एक के। जैसे अगर आप एक आरजे हैं तो आपके मन में होगा कि मेरा एक अपना रेडियो स्टेशन होना चाहिए। अगर कोई जर्नलिस्ट है तो उसके मन में होता है यार मेरा अपना न्यूज़पेपर होना चाहिए, वो होता ही है एक कीड़ा। तो मैं जब फिल्म में गा रहा था तो मुझे लगा यार मैं यार मेरी अपनी फिल्म होनी चाहिए, मुझे प्रोड्यूसर होना चाहिए। तो और मैं सक्षम भी था, मैं कर सकता था, तो मैंने कई भोजपुरी फिल्में बनाई, कई हिंदी फिल्में बनाई, बहुत सी भोजपुरी फिल्मों को फाइनेंस भी किया, हिंदी को फाइनेंस किया, अभी भी बनाता हूँ। अभी भी कुछ फिल्म तैयार हुई है, लॉकडाउन की वजह से रुक गई रिलीज होना, तो ये सब ठीक हो जाए तो आप देख, बल्कि उसमें मेरी एक्टिंग भी देखेंगे, मैंने कुछ फिल्मों में एक्टिंग भी की है, ये भी मुझे एक शौक है। लेकिन ये सब मेरा करियर नहीं है, ये एक शौक है, एक बस ये है कि चलो ये भी कर लें, तो इसलिए करा, लेकिन मेन तो म्यूजिक ही है। एक फनी फिल्म देखी थी बॉयज दी बॉयज, हाँ वो मैंने प्रोड्यूस की थी, उसमें सबसे पहले मैंने चांस दिया था राजकुमार राव को, जो भी राजकुमार राव है जिनको, तो उन दिनों उनका नाम था राजकुमार यादव। और सारे आज की डेट में बहुत बुलंदियों पर हैं, आपका आशीर्वाद है। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा काम किया उन्होंने। इसी तरह रोनित रॉय को हम सबसे पहले लाए थे एक अपनी फिल्म, उसमें रोनित रॉय को हीरो लिया था, उसके बाद देखिए रोनित रॉय कहाँ पहुंच रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो आजकल डिजिटल एप्स हैं, अब आपने देखा ही होगा इनफैक्ट अभी ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन टाइम डिजिटल एप्स की, वैसे इनफैक्ट हम लोग भी एक डिजिटल ऐप पर ही बात कर रहे हैं, तो डिजिटल एप्स की क्या भूमिका है, आपको क्या लगता है, व्हाट इज योर टेक ऑन डिजिटल एप्स, कि कितने सक्सेसफुल हैं, कितने जरूरी हैं, और इनका साइड इफेक्ट भी अगर है तो कुछ? डिजिटल ऐप बहुत यूजफुल है, बहुत यूजफुल। दुनिया छोटी हो गई है, जैसे अभी चार दिन पहले मैं 50,000 हिंदू जो पाकिस्तान में रहते हैं उनसे जुड़ गया था, उनको गाना सुना रहा था। अच्छा, ऐप का ही तो कमाल है। उसके थोड़े दिन पहले, 3-4 दिन पहले मैं वेस्ट इंडीज में सब ट्रिनिडैड में लोगों को सुना रहा था, उस दिन पहले मैं ऑस्ट्रेलिया फिजी में सुना रहा था, फिजी के लोगों को। अच्छा, तो ये आधा आधा घंटा मैं दिन में 6-7 लोगों से जुड़ जाता हूँ, जैसे आपसे जुड़ा हूँ। तो इंटरनेशनली मैं रोज लाखों लोगों को गाना सुना रहा हूँ, लोगों से बातें कर रहा हूँ। तो ऐप का ये फायदा है, एक नुकसान भी बहुत बड़ा है इसमें, और वो बहुत बड़ा नुकसान है। वो नुकसान ये है कि इसमें कोई सेंसर नहीं है, कोई भी किसी ने कुछ लिख दिया, जैसे किसी ने सपोज राहुल गांधी के लिए कुछ लिख दिया, किसी ने कुछ मोदी जी के लिए लिख दिया, तो जिसके लिए अगेंस्ट लिखा वो कुछ भी भड़केगा। तो इस पे अंकुश बहुत जरूरी है, लेकिन अंकुश लग ही नहीं सकता क्योंकि आपने यहाँ लिखा और वहां छप गया। हम दोनों यहाँ 50 गालियां भी बक सकते हैं, सही बात, सही बात, 50 भजन भी गा सकते हैं। इसमें हमें सेल्फ सेंसर्ड होना होगा, खुद ही सेंसर्ड होना होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है कि हर आदमी चीफ एडिटर है अपने न्यूज़पेपर का, वो कुछ भी लिखता है सुबह उठ के। अच्छा, जैसे आपने शुरू में जिक्र किया था कि किशोर दा वगैरह के आप बहुत बड़े फैन रहे, आपके कौन फेवरेट है भजन और गजल में? मैं पहले बेगम अख्तर साहिबा को बहुत पसंद करता हूँ, उनकी गजलें। उसके बाद मेहदी हसन साहब को बहुत पसंद करता हूँ, गुलाम अली साहब को बहुत पसंद करता हूँ, जगजीत सिंह साहब को बहुत पसंद करता हूँ, और ये तो हमारे सब साथ के ही हैं, पंकज उदास, तलत अजीज, हरिहरन, वी आर ऑल फ्रेंड्स। हम लोग एक ही टाइम पे ऊपर आए हैं, तो हमने और जो नाम लिए वो हमसे थोड़े सीनियर हैं। मेहंदी हसन साहब को जब सुनते हैं तो हम एक स्टूडेंट हो जाते हैं, गुलाम अली साहब को सुनते हैं, बेगम अख्तर साहिबा को सुनते हैं तो हम एक स्टूडेंट हो जाते हैं। ये सोचते हैं अब इनसे क्या सीखा जाए, इनका क्या गाना जो है लेके अपने गाने में उतारा जाए, ये शुरू हो जाता है मन में। ये लोग बहुत बड़े हैं और हमेशा बड़े रहेंगे हमसे। एक फरमाइश जरूर की जाएगी कि हाँ, कौन सा किसी ने गाया हो जो आपको बहुत अच्छा हो, चाहे फिल्म का कोई सॉन्ग। हाँ, मैं आपको फिल्म का गाना सुनाता हूँ, किशोर कुमार जी का, जो मुझे बहुत पसंद है। प्लीज प्लीज। हाँ। चिंगारी कोई भड़के तो सावन से बुझाए, सावन जो अगन लगाए उस
कौन बुझाए, कोरों से कौन बुझाए, पतझर जो बाग उजाड़े वो बाग बहार खिलाए, जो बाग बहार में उजड़े उसे कौन खिलाए, तो उसे कौन खिलाए। ना जाने क्या हो जाता, जाने हम क्या कर जाते, पीते हैं तो जिंदा है, न पीते तो मर जाते। दुनिया जो प्यासा रखे तो मदिरा प्यास बुझाए, मदिरा जो प्यास लगाए उसे कौन बुझाए, तो उसे कौन बुझाए। ऐसी लागी लगन ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली 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 हरी गली गाने लगी, महलों में पली बन के जुगन चली, मीरा रानी दीवानी गाने लगी, ऐसी लागी लगन। कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, बैठी संतों के संग रंग मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी, वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, मीरा हो गई मगन, मीरा हो गई मगन। अमेजिंग सर, जितनी बार ये सुना जाए उतनी बार कम है। अभी एक फिल्म बन रही है, आपने शायद पता नहीं आपने देखा होगा कि नहीं, पिछले साल में बिग बॉस में आया था। बिग बॉस में हमारे साथ जो पार्टनर थी वो मेरी जो स्टूडेंट है जसलीन, वो थी जी। तो बड़ी जबरदस्त कंट्रोवर्सी हुई, बहुत हंगामा हुआ, मतलब मैंने मीडिया को 1.5 महीने तक बहुत बिजी कर दिया था, अब मुझे कुछ पता ही नहीं था, और बाहर ये लोग सब बिजी हो गए थे, सारी दुनिया का मीडिया बिजी हो गया था। तो हम जब बाहर आए तो बाहर आके हमने असलियत बता दी कि कुछ भी नहीं है, शी इज माय स्टूडेंट, शी इज लाइक माय डॉटर, हम तो उसकी शादी में कन्यादान करेंगे, सब लोगों को बता दिया। तो उसी स्टोरी के इर्द गिर्द थोड़ा और मसाला वसाला लगा के एक फिल्म बन रही है, उस फिल्म का नाम है वो मेरी स्टूडेंट है। ओके। और उसमें मैं काम कर रहा हूँ और जसलीन काम कर रही है, मैं अनूप जलोटा हूँ, वो जसलीन बताए हुए, और उसी कहानी को थोड़ा बना, आपने शायद पढ़ा भी होगा। तो उस फिल्म में मैंने एक रैप सॉन्ग गाया। अरे वाह, अरे फिर तो जरूर आपको अगर 2 लाइन सुनाएंगे उसकी तो। नहीं, मुझे तो उसमें कुछ ऐसे ही है, तुमको मैं चमका दूंगा, तुमको ये कर दूंगा, तुम्हें स्टार बना दूंगा, तुम्हारी शादी भी करवा दूंगा, ऐसे कुछ गाना वो भी उसमें है। डेफिनेटली सर, हम लोग चाहेंगे सेलेफी मीडिया पर एक ऐसा शो क्रिएट किया जाए सेलेफी मीडिया की तरफ से, और आपको बुलाया जाए, बहुत सारी हमारी ऑडियंस है, बहुत सारे लोग हैं जो आपको सुनना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद श्री अनूप जलोटा जी। मैं सेलेफी मीडिया को बहुत बहुत मुबारकबाद भी देता हूँ, और साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि आप इसी तरह लोगों से जुड़ते रहिए, और हम जैसे लोगों को लोगों से जोड़ते रहिए, जैसे कि हम अपने मन की बात भी लोगों को कह सकते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे प्रोग्राम पर आने के लिए। थैंक यू वेरी मच श्री अनूप जलोटा जी।